सोशल मीडिया पर वायरल एक इमेज के साथ दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वायरल इमेज में देखा जा सकता है कि घायल युवक के चेहरे और आंखों पर पैलेट गन के छर्रे लगे। यूजर्स इमेज शेयर कर लिख रहे हैं, अन्नदाता अपनी किसानी को बचाए रखने के लिए आंदोलनरत है और किसानी का आने वाला भविष्य सरकार की तानाशाही के चलते लहू लुहान है। पैलेट गन का इस्तेमाल वर्जित है, मगर इस्तेमाल तो हो ही रही है। धड़ल्ले से पुलिसिया बर्बरता में डी फ्रैक की टीम ने वायरल इमेज को रिवर्स सर्च किया। टीम को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 13 जुलाई 2016 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि घायल युवक का नाम इमरान अहमद पारे है, जो कश्मीर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान छर्रे की चपेट में आने से घायल हो गया था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने 30 जुलाई 2016 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया था। इस इंटरव्यू में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछे गए थे। इसके साथ ही वायरल फोटो को भी प्रकाशित किया गया था। डी फ्रैक के फैक्ट चेक से साफ है कि वायरल इमेज किसान प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि साल 2016 में कश्मीर प्रदर्शन में घायल युवक इमरान अहमद पारे की है। इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स का दावा मिसलीडिंग है।